सो हाय गाइस हेलो एवरीवन क्या हाल चाल है ओके फिजिक्स समझ जाओ केडी सर आ गए बिल्कुल भाई फिजिक्स समझ जाओ केडी सर आ गए फिजिक्स नहीं आप लोग समझ जाओ केडी सर आ गए अब ओके गुड सो हाय हेलो एवरीवन क्या हाल चाल है भाई ओके गुड गुड यस गुड इवनिंग गुड नाइट गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग यस सबको ग्रीट करना जरूरी है यार सबको ग्रीट करना जरूरी है फिजिक्स देवता अरे यार देवता देवता नहीं है देवता देवता नहीं है ओके okay, प्रणाम 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 नमस्कार सत्याकाल सलाम वालेकुम आधा वर्ड्स क्या हाल चाल सब भले चंगे मस्त एकदम ओके ये बात बेस्ट थैंक यू सो मच यार थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार कॉन्टिन्यूसली अब यार एक काम करो जब आपने इतना सब कुछ कर ही दिया है तो इस सेशन को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो अभी तक 61 लाइक्स अभी तक सिर्फ 61 लाइक्स ये लाइक्स बढ़ाओ सिर्फ 61 लाइक्स हैं 65 ही हुए हैं बस बेस्ट यार बेस्ट है तो मार्केट में बताओ तो सही सर आ गए हैं अकेले अकेले इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ मेडिकल कॉलेज में जाओगे क्या अकेले अकेले मेडिकल कॉलेज कॉलेज में में जाना है क्या अच्छे कॉलेज में। हाँ अरे यार बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है मैं हूं ना मैं हूं ना बस सब बढ़िया हो जाएगा सब बढ़िया हो जाएगा मजा आ जाएगा डेली टाइमिंग बच्चे बिल्कुल डेली टाइमिंग यही रहता है मेरा सर फिजिक्स को हलवा बना देंगे बिल्कुल हलवा बना के परोस दूंगा इतना अच्छा बना दूंगा जिसको हलवा पसंद है उसके लिए हलवा बना देंगे हीरो अंडर स्प्लेंडर के डी सर इज थैंक यू सो मच यार थैंक यू सो मच बस अब एक काम करो मार्केट में ये खबर फैला दो के डी सर आ गए हैं हमको फिजिक्स पढ़ाने के लिए आपके बेनिफिट के लिए ठीक है तो फटाफट फड़ जाओ लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो यार इस सेशन को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबको पता लग सके यार अकेले अकेले अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में जाओगे क्या अपने दोस्त के साथ जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो चलिए वेरी गुड हाँ तालियां बस्ती रहनी चाहिए तालियां बस्ती रहनी चाहिए भाई चलिए एक बार फटाफट सभी बच्चे अपना अपना अटेंडेंस मार्क कर दो क्या सब बच्चे प्रेजेंट है ताकि मैं सबके एक बार नाम ले कि कौन कौन सा बच्चा आया है हेलो सिंघम सर हेलो अंशु हेलो माई टेम्पल हेलो सचिन हेलो दीपांशु हेलो अमन ओके सत्यम सिंह बुंदेला पूजा कौटी अंशु अनु श्रेष्ठी मोहम्मद संजना राजा ओके यार तानिया उपासना सुहानी क्लेश मूवीज ओके पूजा संजीत अर्णव तुषार वेरी गुड यार अब चैट बॉक्स कॉन्टीन्यूसली चल रहा है अब मेरा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ गया अब मैं कॉन्टिन्यूसली नहीं देख पा रहा हूँ चलिए सो स्टूडेंट्स आई कुलदीप सिंह चंद्रावत वेलकम सू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ करियर पॉइंट कोटा करियर पॉइंट की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं बच्चों और आप लोगों के लिए लेकर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले का लेक्चर नंबर थ्री बच्चे ध्यान रखना है ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इलेवेंथ का सेशन चलने वाला है जहां पर आशीष सर आपकी क्लासेस लेंगे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं बार बार डेली डेली रिपीट कर रहा हूं रंजीता जी रंजीत जी रंजीत जी ठीक है खुश हो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ठीक है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कॉन्टिन्यूसली ट्वेल्व के लेक्चर्स हो रहे हैं ठीक है बच्चे आवाज ढंग से नहीं आ रही और कैसे ढंग से आएगी यार आ तो रही है बाकियों को भी दिक्कत है क्या आवाज का

अभी क्लियर है वॉइस अभी क्लियर है वॉइस ओके गुड सब क्लियर है ना चलो ठीक है बच्चे ठीक है यार वाचिंग बढ़ाओ यार लाइक like करो शेयर करो सब्सक्राइब करो जैसे ही यार बच्चे आ जाएंगे ना और ज्यादा बच्चे आ जाएंगे तब मैं स्टार्ट करूंगा सेशन को कुछ छूटना नहीं चाहिए किसी का कुछ मिस नहीं होना चाहिए यार चलिए चलिए थोड़ा सा बता देता हूं ऐप के बारे में ऐप के बारे में बच्चे करना क्या है आपको वैसे तो आप सबने ई करियर पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लिया है बट सबसे अच्छी बात यह है कि आप ई करियर पॉइंट ऐप को डाउनलोड करो वहां पर जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके साथ नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे उस सब चीजों के आपको नोट्स मिल जाएंगे बच्चों आपको नोट्स कहां मिलेंगे इस ई करियर पॉइंट ऐप पर और ई करियर पॉइंट ऐप कहां से मिलेगा आपको आपको जाना है प्ले स्टोर पर पबजी को अन कर दो अब समय आ हाँ गया है यार पबजी को अनइंस्टॉल करने का ठीक है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में वो पढ़ाई करनी पड़ेगी यार पबजी को अनइंस्टॉल कर दीजिए पबजी को अरे महबूब जी यार नाराज क्यों होते हैं महबूब जी नाराज क्यों होते हैं एक करियर पॉइंट ऐप को डाउनलोड करो कॉल ऑफ ड्यूटी पबजी को अनइंस्टॉल करो थोड़े दिन के लिए सिर्फ थोड़े टाइम की बात है थोड़े ही समय की बात है थोड़े समय के बाद आप वापस पबजी इंस्टॉल कर लेना कॉल ऑफ ड्यूटी इंस्टॉल कर लेना क्लियर ले है अरे नाराज मत हो यारबजी अन इंस्टॉल करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं यार वहां वहां ध्यान डाइवर्ट होता है टाइम ज्यादा वेस्ट करते हो आप लोग और अभी आपको करना क्या है यार सबको डॉक्टर बनना 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 है सबको बनना है और बनना है सबको डॉक्टर डॉक्टर और तो थोड़ा डिवोट होना पड़ेगा पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा ध्यान हटाना पड़ेगा पबजी से कॉल ऑफ ड्यूटी से इसलिए कह रहा हूं नाराज मत हो यार नाराज मत हो बाकी आपकी मर्जी ठीक है ए करियर पॉइंट ऐप को डाउनलोड करो बच्चे ई करियर पॉइंट लिखना है आपको और कुछ इस तरीके का ऐप दिखाई देगा सी पी पी करियर पॉइंट ये निकल के आएगा आपको इसको डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा आप वहां से इसको इंस्टॉल कीजिए जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आपके सामने इंटरफेस निकल के आएगा वहां पर उस इंटरफेस पे अपने ईमेल आईडी से आप रजिस्टर कीजिए ठीक है जैसे ही आप ईमेल आईडी से रजिस्टर करेंगे ये इंटरफेस निकल के आता है इस इंटरफेस के फायदे क्या है बच्चे यहां पर फीड्स दिखेगा यहां पर सबसे पहले तो एक्सपर्ट फैकल्टीज है एक्सपर्ट फैकल्टीज जो करियर पॉइंट की एक्सपर्ट फैकल्टीज यहां पर इतने सालों से मेहनत कर रही है सिर्फ और सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए वो सबके सब, सब यहां पर अवेलेबल है ठीक है ट्वेंटी फोर सेवन आपके लिए अवेलेबल है आप क्या करिए जैसे कि मैं भी यहां पर अवेलेबल हूं देखो ये मैं भी यहां पर अवेलेबल हूं प्रमोद सर भी अवेलेबल है ठीक है आप एक्सपर्ट फैकल्टीज को यहां से फॉलो कर सकते हैं बच्चे एक्सपर्ट फैकल्टीज को फॉलो करने के बहुत सारे फायदे हैं चांदी चांदी हो जाएगी आप लोगों की ऐसे चांदी हो जाएगी एक्सपर्ट फैकल्टी आप लोगों के लिए टाइम टेबल डिसाइड करने वाले हैं सारी चीजें डिसाइड करने वाले हैं सारा का सब कुछ सब प्लान करने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए किस तरीके से किस चैप्टर को कितना टाइम डिवोट करना चाहिए कितनी पढ़ाई किस सब्जेक्ट में करनी चाहिए ठीक है ठीक है इसके बाद डेली डोज वाला सेक्शन है वहां पर डेली डोज वाले सेक्शन में बच्चे आप जाकर डेली के डेली प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन की डाली जाती है। डाल जाती हैं आप यहां पर पढ़िए डेली डोजेस में जाइए क्विजेस का सेक्शन अटेम्प कीजिए फिर उसके बाद कोर्सेज वाला सेक्शन में वहां पर बहुत सारे कोर्सेज हैं उसके बाद क्या है फ्री स्टफ है फ्री स्टफ में जो भी आपके पास यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है इस पूरे फ्री स्टफ के वीडियोज इस एप पर भी अवेलेबल है बच्चे और YouTube पर भी अवेलेबल है बट फ्री स्टफ में एक और एक्स्ट्रा चीज अवेलेबल है जो कि नोट्स जो कि नोट्स यहां पर जितना भी पढ़ाया गया है सारे नोट्स कहां मिलेंगे इस फ्री स्टफ वाले सेक्शन में मिलेंगे आप जैसे ही फ्री स्टफ वाले सेक्शन में जाएंगे वहां पर इस तरीके से सबसे पहले यहां ऑल पोस्ट की जगह क्या सेलेक्ट कर लेना भाई यहाँ पर मेडिकल सेलेक्ट कर लेना और आप जैसे ही फ्री स्टफ पे क्लिक करेंगे फ्री स्टफ वाले सेक्शन पे जाओगे तो वहां पर के.डी. सर फिजिक्स बाय के.डी. सर एक सेक्शन आ रहा होगा वहां पर आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं और पीडीएफ को वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं ठीक है और यहां पर हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं बच्चों बहुत सारे इतने अच्छे इतने एम्पल अमाउंट ऑफ कोर्सेज हमारे पास डिजाइन बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं ये जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं इन्होंने जो डिजाइन किया है और हमारा जो आर एन डी डिपार्टमेंट है जो पिछले कई सालों से यहां लगा हुआ है कॉन्टिन्यूसली आप लोगों की आप लोगों को रिजल्ट देने में हाँ बिल्कुल आप लोग भी मेहनत करते हैं रिजल्ट देने में बट एक बैकएंड भी होता है भाई

एनडीए यार एनडीए वालों के लिए भी है यहां पर चीजें यहां पर एनडीए वालों के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं इवन आपके जो सिबलिंग्स जो एन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं बच्चों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को प्रेस करो और मुझे लाइक दो यार मुझे लाइक दो लाइक्स बढ़ाओ फटाफट ये लाइक्स बढ़ जाने चाहिए ठीक है उसके बाद जैसे ही आप अगर आपको कोई कोर्स पसंद आता है कोई मटेरियल पसंद आता है कोई टेस्ट सीरीज पसंद आता है तो वो वैसे ही यहां पर मिनिमल चार्जेस में मिनिमल चार्जेस में है उसके बाद आप लोगों के पास एक और फायदा है कि मेरा कूपन कोड आप लगा सकते हैं के डी टेन के डी टेन बिल्कुल के डी टेन इस कूपन कोड का आप यूज कीजिए बच्चों के डी मेरा नाम है के डी इज माई नेम आप सब जानते हैं भली भांति जानते हैं के डी कौन है केडी को आप भली भांति जानते हैं कौन है केडी सर बिल्कुल केडी मेरा नाम है टेन परसेंट डिस्काउंट लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है बच्चे टेन परसेंट वैसे ही चीजें बहुत सस्ती अवेलेबल है उसके बाद दस परसेंट और मिल गया बहुत बहुत चांदी है भाई बहुत ज्यादा चांदी है बिल्कुल ये जो ये जो चांदी वाले जो ये माउथ मेरे को दिखा रहे हो आप बहुत बढ़िया है भाई बहुत बढ़िया वाह मजा आ गया मजा आ गया चलिए चलिए सेशन स्टार्ट करता हूं बच्चे लॉ लॉ कल मैंने लास्ट पे छोड़ा था उसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया था लॉ के बारे में ठीक है आज थोड़ी सी थ्योरी लेकर के हूं लॉ लॉ क्या कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस किस पे प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम उसके उन दोनों चार्जेस के लेट सपोज मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं सपोज मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस है, Q Q, चार्जेस हैं और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आर है, है? है. है? है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू पॉइंट चार्जेस टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पॉइंट चार्जेस किसने कहालाम ने कहा किसने कहालाम ने कहा

बिल्कुल सर पहले हाथ साफ करो हाथ साफ कर लिए मैंने यार क्लास में एंटर होने से पहले हाथ साफ कर लिए थे आपको भी मैं यही सजेशन दूंगा बच्चों कि आप लोग भी हाथ साफ कर लीजिए ठीक है मिस्टर कुलाम ने हमको कुलाम स्लॉ दिया ठीक है सर के ड्रीम में रहा बिल्कुल मेरे ड्रीम में रहा है यार मेरे ड्रीम में आए थे मिस्टर कुलाम उन्होंने मुझे बताया और मैं अब आप लोगों को बता रहा हूं कि, कि किस तरीके से कुलाम स्लॉ ने ये फोर्स दिया है मिस्टर कुलाम ने किस तरीके से इस फोर्स को डिराइव किया है मिस्टर कुलाम ने मेरे सपने में आकर बताया अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस रेवोल्यूशन का पार्ट बनो अच्छा यार बच्चे हम हम क्या कर रहे हैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी इस रेवल्यूशन का पार्ट पढ़े बने इतना बड़ा रेवल्यूशन होने वाला है ना आप सब लोग इस बात का इसका अगर पार्ट बनेंगे बनना कैसे शेयर करो सब्सक्राइब करो और मुझे लाइक देते रहो यार आप लोग जितने ज्यादा लाइक दोगे जितना ज्यादा इस सेशन को शेयर करोगे मेरे अंदर एनर्जी आती जाएगी मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा आप जैसे जैसे लाइक्स बढ़ाते रहोगे जैसे जैसे इस सेशन को शेयर करते रहोगे आप मेरे साथ जैसे जैसे इस रेवोल्यूशन का पार्ट बनोगे करना क्या है मेरा हाथ पकड़ के चलो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग मेरा हाथ पकड़ के चलो सारे मार्केट में सब जगह खबर फैला दो कि करियर पॉइंट आप लोगों के लिए है आप लोगों को कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा है बच्चों आप लोगों को खबर फैलानी है लाइक करना है सेशन को शेयर करना है सब्सक्राइब करना है लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है और चौथा बेल आइकन को प्रेस करना है ठीक है चलिए

तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर यानी कि इसका यूनिट क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर देखो बच्चे नीट एस्पिरेंट हो बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे ये यूनिट्स अगर नीट एस्पिरेंट हो मैं फिर कह रहा हूं एक एक चीज जो मैं यहां बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस बात में मैंने फोर्स दिया है ज्यादा ज्यादा यार जितना ज्यादा चिल्ला करके बोलूंगा ना मतलब वो बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्लियर है चलिए गुड <coughs> देखो K का यूनिट आता है मेरे पास में न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कुम स्क्वायर ठीक है अब K होता क्या है K को मैं कह सकता हूं कुलम कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कॉन्सटेंट कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट सर फिजिक्स ट्यूशन लेना है अरे यार फिजिक्स ट्यूशन क्यों लेना है पढ़ा तो रहा हूं मैं यहां पर बच्चे पढ़ा रहा हूं ना यहां पर फिर फिजिक्स ट्यूशन क्यों लेना है मुझे यह समझ में नहीं आती जो चीजें आपको दे रहे हैं क्यों लेनी है मिल तो रहा है काफी अच्छा काम कुछ मत करो करियर पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लो यहां के नोट्स वहां मिल जाएंगे आपके पास पढ़ा यहां रहे हैं ठीक है अगर कभी कुछ मिस हो जाता है तो यूट्यूब पे आप बाद में जाकर भी देख सकते हैं आप ऐप पर भी देख सकते हैं बच्चे इसी सेशन को जो सेशन चल रहा है इस सेशन को आप ऐप पर भी देख सकते हैं फ्री स्टफ के अंदर ठीक है चलिए कांस्टेंट को मैं बोलता हूं कुलांस कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और गजब की बात मैं बताता हूं आपको मेरे पास यहां आता है एप्सल एंड नॉट एप्सल एंड नॉट इज ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम फ्री स्पेस और वैक्यूम या फिर एयर फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम या फिर एयर ठीक है एपसन एन डिपेंड करता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम या फिर एयर की बात करते हैं यानी कि कुलाम फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर दिया मैं कल आपको चार पांच पॉइंट लिखवा करके गया था जाते जाते तब मैंने आपको बताया था कि कुलाम फोर्स जो है ये कहां कहां डिपेंड करता है दोनों चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है उनके बीच के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है और तीसरी चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है उसके बाद तीसरी चीज वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर किसके ऊपर मटेरियल के ऊपर क्योंकि मटेरियल होगा तभी तो परमिटिविटी होगा परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है यानी कि एप्सिलॉन नॉट के ऊपर भी डिपेंड कर गया भाई वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर गया फोर्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन मीडियम फोर्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन मीडियम लिख देता हूं यहां पर फोर्स फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम क्लियर है ठीक है भाई देखो ये सारा डेरिवेशन में कल भी बता चुका था अब आगे चलते हैं आज थोड़ा सा आगे चलते हैं वेक्टर लॉ फॉर्म ऑफ कुल्स लॉ देखना वेक्टर फॉर्म ऑफ कुल्स लॉ देखने के लिए बच्चे लेट सपोज मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं एक पॉइंट चार्ज है क्यू वन एक पॉइंट चार्ज है मेरे पास क्यू टू ठीक है दोनों पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं। इस चार्ज Q2 के ऊपर इस चार्ज Q2 के ऊपर Q1 एक चार फोर्स लगा रहा होगा इस चार्ज Q2 के ऊपर Q1 एक फोर्स लगा रहा होगा तो कैसे भागेगा ये उससे दूर भागेगा फोर्स क्या होगा फोर्स इससे दूर भाग रहा होगा तो मैं इसको लिख सकता हूं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन देखो समझना बहुत ध्यान से आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे वेक्टर्स फॉर्म ऑफ गुलाम्स लॉ या वेक्टर्स लॉ वेक्टर्स फॉर्म ऑफ लॉ आपके एग्जाम पॉइंट से भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है देखिए मैं यहां पर चार्ज वन के ऊपर चार्ज वन के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है टू लगा रहा है चार्ज वन के ऊपर कौन लगा रहा है टू लगा रहा है तो फोर्स ऑन वन फोर्स ऑन वन किसकी वजह से दूसरे चार्ज की वजह से तो मैं लिखूंगा एफ वन टू एफ वन टू मतलब एफ वन टू मतलब क्या फोर्स ऑन फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू चार्ज वन के ऊपर फोर्स किसकी वजह से टू की वजह से बच्चे मुझे पता है आप लोगों को दिक्कत होती है वेक्टर फॉर्म में मैं बहुत अच्छे से जानता हूं आपको दिक्कत होती है वेक्टर फॉर्म में यार लाइक करते रहो सेशंस को लाइक करते रहो शेयर करो सब्सक्राइब करो जितना ज्यादा लाइक करोगे शेयर करोगे मजा आएगा देखो फोर्स ऑन चार्ज वन फर्स्ट चार्ज पर सेकंड चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं किससे से एफ वन टू से ठीक है जी एफ वन टू से मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया लेट सपोज जो चार्ज आर वन था लेट सपोज जो चार्ज आर वन था इसके लिए पोजिशन वेक्टर वेक्टर लिखूंगा चार्ज आर वन क्यू वन का चार्ज क्यू वन का पोजिशन वेक्टर होगा, R1 और Q2 का होगा R2 R1 का है मेरे पास में आर टू वैक्टर देखिए अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो यही रहने वाला है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या रहने वाला है यही रहने वाला है सर न्यूमेरिकल बिल्कुल न्यूमेरिकल भी होंगे पहले डेरिवेशन तो देखो तभी तो न्यूमेरिकल करवाऊंगा देखो अब देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अब देखिएगा यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी बात करूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 तो मेरे पास डिस्टेंस यही रहने वाला है यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट आने वाला है यही रहेगा मैं उसके लिए क्या फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करूंगा बिल्कुल यही करूंगा फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल और मेरे पास में यहां देखूंगा इसमें देखूंगा क्यू वन टू में देखूंगा इसके लिए मैं दूसरा कलर यूज कर देता हूं चलिए मैं यूज करता हूं एफ वन टू के लिए तो मेरे पास पोजीशन वेक्टर ये वाला होगा दैट मीन फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन वैक्टर क्लियर है भाई f12 क्या होगा इसी की डायरेक्शन में होगा f21 जो होगा वो इसी की डायरेक्शन में होगा हम इससे क्या करते हैं हम इस वेक्टर फॉर्म से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं ठीक है वैल्यू के साथ में वेक्टर फॉर्म हमको डायरेक्शन भी देता है कि फोर्स का डायरेक्शन आएगा कहां से फोर्स का डायरेक्शन आएगा कैसे क्लियर है मैंने क्या करा मैंने बोला r21 r21 क्या होगा r2 1, -1. आर टू माइनस आर वन भाई आर टू वन और आर वन टू छोड़ दो आज से आर टू वन और आर वन टू छोड़ दो सबसे बड़ी समस्या जीवन में यही है कि आर टू वन लिखू आर टू वन लिखू आर वन टू लिखू एफ टू वन के साथ में आर वन टू आता है R2, R1, को मैं R2 -R1 यार, परेशान होने की जरूरत नहीं है मैं समझ सकता हूं आपके दुख को क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे भी यही समस्या होती थी यार इतने कितने बहुत सारे फॉर्मूले हैं किसके साथ क्या क्या याद रखोगे इसलिए बेटर है कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे सारी चीजें अपने आप समझ में आएगी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे सारी चीजें अपने आप समझ में आएगी चार्ज टू पर फोर्स लग रहा था एफ टू वन दैट इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन चार्ज टू के ऊपर चार्ज की वजह से फोर्स मैंने क्या बोला बोला ठीक है डायरेक्शन क्या दे दे दिया दिया इसको ये वाला डायरेक्शन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देखूं अगर डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देखूं तो डिस्प्लेसमेंट भी यही वाला होना चाहिए यही वाला डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए बिल्कुल यही वाला होगा और ये वाला डिस्प्लेसमेंट आने के लिए क्या करूंगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट

डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए यही होना चाहिए तभी तो फोर्स का डायरेक्शन उस फोर्स का डायरेक्शन वो होता है जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो रहा होता है ठीक है आपका चार्ज क्या करेगा इधर की तरफ जाएगा जब चार्ज ये वाला चार्ज इधर की तरफ जाएगा यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है यानी कि फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन फाइनल पोजिशन क्या है ये वाला यानी कि आर वन है फाइनल पोजिशन कौन सा है आर वन है और इनिशियल पोजिशन टू है इतनी बात समझ में आती है भाई ये कहानी समझ में आती है पहले तो मुझे ये बताइए क्या ये कहानी समझ में आती है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन वाली यार लाइक like करो यार लाइक like करो यार अभी तो 149 फोर्टी नाइन हुए डेढ़ भी नहीं हुए तालियां बस्ती रहनी चाहिए बिल्कुल तालियां बसते रहनी चाहिए चलिए ऑल क्लियर है ऑल क्लियर है गुड वेरी गुड बच्चे ऑल क्लियर है थैंक यू सो मच बच्चे यू आर वॉचिंग फ्रॉम बिहार थैंक यू सो मच आई अप्रिशिएट चलिए F12 की बात करता हूं फोर्स ऑन ड्यू टू टू इज डिवाइडेड स्क्वायर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या बोला था आर बोला था डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ठीक है यहां तो कहीं भी डायरेक्शन नहीं आया यहां डायरेक्शन कहीं भी नहीं आया है तो डायरेक्शन आएगा कैसे डायरेक्शन आएगा जो पोजीशन वेक्टर था जो पोजीशन वेक्टर था उसका यूनिट वेक्टर बताइए जो डिस्प्लेसमेंट था उसका क्या कर देंगे यूनिट वेक्टर कर देंगे तो यहां पर पोजीशन क्या आएगा आर वन आर वन कैप माइनस आर टू कैप आर वन कैप माइनस आर टू कैप भाई इसी इस वेक्टर की डायरेक्शन में ही तो फोर्स का डायरेक्शन होगा

f12 वेक्टर इज इक्वल्स टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इसको लिख सकता हूं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ r2 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ r2 वेक्टर देखिए कमाल की बात कि मेरे पास अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मेरा मैग्नीट्यूड क्या आएगा मैग्नीट्यूड r1 माइनस r2

टाइम्स क्यू वन क्यू टू आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब भाई स्क्वायर तो इसकी वजह से आ गया स्क्वायर इसकी वजह से आ गया और एक मैग्नीट्यूड यहां ऑलरेडी था तो ये कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा अब घबराने की जरूरत नहीं है बच्चा बोलेगा सर आपने तो यहां क्यूब दिखा दिया क्यूब आपने यहां दिखा दिया और सपने में कुलाम साहब ने आपको स्क्वायर दिखाया था और आपने हमें यहां क्यूब दिखवा दिया मैं उससे कहूंगा बच्चे क्यूब से घबराने की जरूरत नहीं है अगर ये क्यूब आ रहा है तो ऊपर भी तो एक क्वांटिटी है ऊपर भी तो एक क्वांटिटी है जो डायरेक्शन के साथ में है नीचे मेरे पास मैग्नीट्यूड है एक ऊपर एक मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी है वो मैग्नीट्यूड यहां कैंसिल आउट कर देगा वो मैग्नीट्यूड यहां पर कैंसिल आउट कर देगा और नीचे क्या बचने वाला है स्क्वायर ही बचने वाला है अब आती है बात समझ में भाई क्लियर है क्लियर है सबको अरे यार ये कहानी समझ में आती है क्या ये कहानी समझ में आती है चलिए वेरी गुड वेरी गुड भाई वेरी गुड चलिए समझ में आता है सबको अच्छा अगर मैं बात करूं यहां से F21 की ये तो हो गया मेरे पास F12

डायरेक्शन इधर है और ये इधर डायरेक्शन है तो यहां पर एक माइनस साइन लगा दो यहां पर एक माइनस साइन लगा दू तो काम बन जाएगा अगर मैं यहां पर माइनस साइन लगा दू तो काम बन जाएगा तो आर टू माइनस आर वन को क्या लिख सकता हूं माइनस टाइम्स ऑफ आर वन माइनस आर टू आर टू माइनस आर वन को क्या लिख दिया आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर को मैंने लिख दिया माइनस टाइम्स ऑफ आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर r2 वेक्टर r1 वेक्टर को मैं लिख सकता हूं r1 वेक्टर r2 वेक्टर अब क्लियर है अब क्लियर है भाई चलिए तो यहां से जब मैं इस इस इक्वेशन को फॉलो करूंगा तो मेरे पास f12 जो आता है f12 किसके बराबर आएगा f12 कम्स आउट टू बी माइनस टाइम्स ऑफ f21 वेक्टर f12 वेक्टर कम्स आउट टू बी माइनस टाइम्स ऑफ f21 वेक्टर ये समझ में आती है भाई का ये बात समझ में आती है ये बात क्लियर है क्लियर है ये कहानी अरे ये कहानी क्लियर है क्या चलिए गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए आगे चलते हैं एक सवाल है मेरे पास आप सभी के लिए क्योंकि आप सब की हाई डिमांड थी बच्चे कि सर आप क्वेश्चन नहीं करवा रहे हो एक क्वेश्चन लेकर क्या आया हूं आपके पास और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूं थर्टी सेकेंड पांच सेकेंड ऑलरेडी हो गए हैं तो हम आप आपको देंगे ट्वेंटी फाइव सेकेंड्स चलिए फटाफट ट्राई कीजिए बच्चे इसको क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटोन एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन है हमारे पास में उनके बीच में रिलेशन निक, रेशियो निकालना मुझे किसका ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स का। समय समाप्ति की घोषणा हुई अपना फड़ा फड़ा आंसर देंगे डी भी, 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 भी बोल रहे हैं बच्चे वेरी गुड डी ऑप्शन भी बोल रहे हो डी ऑप्शन भी बोल रहे हो अच्छा बाकी ए बी कहां गए सी वाले हाँ वेरी गुड ए भी बोल रहे हो बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सी वेरी गुड सी भी बोल रहे हो मतलब कोई एक सही है बाकी तीन गलत है चलो देखते हैं क्या है ये कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो एफ ग्रेविटेशनल इज इक्वल्स टू जी टाइम्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर होता है एम वन एम टू डिड बाय आर स्क्वायर होता है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरे पास क्या होगा के टाइम्स क्यू वन क्यू टू डिड बाय आर स्क्वायर ठीक है के टाइम्स क्यू वन क्यू टू डिड बाय आर स्क्वायर ठीक है <coughs> मैं पूछा गया है रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशन एफ जी डिवाइडेड बाई एफ एफ जी डिवाइडेड बाई एफ ई अगर g की बात करूं तो इसकी वैल्यूज लिख सकता हूं जी एम वन एम टू डिड बाई आर स्क इलेक्ट्रोसाइडिक की बात करूं तो q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कमाल की बात यह है मजे की बात यह है r स्क्वायर से r स्क्वायर मर गया है r स्क्वायर से r स्क्वायर मर गया है वेरी गुड रीपांशु वेरी गुड जी जी की वैल्यू आपको पता है भाई जी का वैल्यू कितना है बताइए हाँ बताइए बता जी का वैल्यू कितना है लिखिए 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 वेरी गुड वेरी गुड अगर इसकी बात करें तो ये मेरे पास जी आएगा सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस इलेवन ठीक है मास M1 दे रखा है मेरे को एम वन का वैल्यू दे रखा है एम वन का वैल्यू कितना है पावर माइनस ट्वेंटी सेवन ठीक है

Into into 10 raise to the power minus 19. इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एफ जी डिवाइडेडी अच्छा ऑप्शन में तो सारे प्लस में थे माइनस में क्यों नहीं बताया सर आपने अरे यार इसको ऐसे कर दो एफ डिवाइडेड बाई एफ जी कर दो यार

रख देते हैं ठीक है इसके लिए मैं आपको समय देता हूं बच्चे थर्टी सेकेंड्स चलिए ट्राई कीजिए इसको आया किसी का आंसर Q बाई टू वेरी गुड वेरी गुड आ गया हमारे पास आशा धनानी जी का आंसर आ गया है क्यू बाई टू वेरी गुड भाई वेरी गुड जयंता वेरी गुड Q बाई टू आंसर हमारे पास आ चुका है <coughs> बिल्कुल सही जिसका भी Q बाईट टू आया है बिल्कुल सही बच्चे बिल्कुल सही बिल्कुल सही देखो किया कैसे है इसने

कुछ डिस्टेंस अपार्ट रख दिया कुछ इस तरीके से कि द फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम कुछ इस तरीके से कि उनके बीच का फोर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा जब उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम होगा तो इनके बीच में क्या लग रहा है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू के एक्स क्यू माइनस एक्स डिड बाई आर स्क्वायर ठीक है यहां तक कहानी सबको समझ में आ गई होगी यहां तक कहानी सबको समझ में आ गई होगी वेरी गुड कोई बच्चा ऐसा जिसको यहां तक कहानी ना समझ में आई हो वेरी गुड सेवन स्केल्स आपका भी आंसर क्यू बाई टू आ रहा था वेरी गुड भाई वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो अब इसके बाद करना क्या है आपके क्वेश्चंस का लेवल यहां से ऐसे उठता है अब पता लगता है कि आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं देखो कॉन्सेप्ट इस तरीके से मिक्स किए जाते हैं उसने क्या बोला फोर्स मैक्सिमम करना है फोर्स मैक्सिमम करने का मतलब क्या है फोर्स मैक्सिमम करने का मतलब है कि देखो यहां पर आर क्या है आर मेरे पास में कांस्टेंट है आर एस कॉन्स्टेंट आर क्या है hai, मेरे तो किस पे डिपेंड कर रहा है डिपेंड्स ऑन एक्स फोर्स वेरिएबल होने के साथ साथ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है यानी कि यानी कि हमने पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा में मिनिमा में पढ़ा था हमने इलेवेंथ क्लास में हमने पढ़ा था अगर कोई चीज वेरिएबल हो अगर कोई चीज वेरिएबल हो और उसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो क्या करते हैं उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियन करके उसको इक्वल टू कर दो उस वेरिएबल के टर्म्स में उसको उसको डिफरेंशिएशन करके क्या कर देते हैं जीरो कर देते हैं मेरे पास फोर्स क्या है वेरिएबल है किसके किस पर डिपेंड कर रहा है एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो मैं क्या करूंगा इस फोर्स को डीएफ बाय डीएक्स करके इसका क्या करेंगे इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे चलिए करता हूं हूं मैं 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 करूंगा किसका <coughs> F का तो तो को लिख सकता सकता लिखा जा सकता है देखो कीजिए करेंगे तो ये क्या बन के आएगा के क्यू बायर स्क्वास टाइम्स ये माइनस टाइम्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा टू एक्स तो ये हो जाएगा माइनस टू के एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अब इसको क्या करना है जीरो के बराबर करना है इसको जीरो के बराबर करेंगे तो देखिए कमाल क्या निकल के आता है मेरे पास में ये आएगा के क्यू डिड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये टर्म इधर चल जाएगा इक्वल टू इधर चल जाएगा इक्वेशन के इस साइड आएगा तो ये बनेगा टू टाइम्स के एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया के से के मर गया एक्स का वैल्यू क्या आता है क्यू बाय टू एक्स का वैल्यू क्यू बाई टू आता है इसने पूछा था फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्ट पार्ट इस वाले का वैल्यू कितना आ गया? X Sorry, Q इस वाले का आ गया गया टू सॉरी इस इस वाले वाले तो पार्ट पार्ट का का वैल्यू वैल्यू कितना आएगा यानी कि चार्ज आता है Q क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या कहता है मेरे को प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन कहता है कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा चार्जेस हैं अगर मेरे पास सिस्टम में एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो क्या कुलाम्स लगेगा बिल्कुल लगेगा कुलाम्स लगेगा होगा क्या इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज की वजह से क्या लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में ठीक है इस चार्ज की वजह से क्यू टू क्यू थ्री की वजह से इसको मैं बोल सकता हूं फोर्स ऑन किसके ऊपर लग रहा है फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स ऑन वन ड्यू टू किसके पर किसकी वजह से लग रहा है टू की वजह से लग रहा है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इसको ये बोल सकते हैं ठीक है इस वन के ऊपर इस वन के ऊपर थ्री की वजह से भी चार्ज लग रहा होगा वन के ऊपर थ्री की वजह से और चार्ज लग रहा होगा वन के ऊपर थ्री की वजह से जो चार्ज लग रहा होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा ये वाला होगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री ठीक है वेक्टर में लग रहा है डायरेक्शन दे दिया हमने ठीक है अगर मैं की वजह से देखूं तो फोर्स की वजह फोर की वजह से वन के ऊपर क्या करेगा four की वजह से के ऊपर फोर्स लग रहा होगा फोर ऑन दिस वन ड्यू टू दिस फोर फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर ये होगा इसका वैल्यू ठीक है अब मेरे पास चार्ज क्यू वन पर अलग अलग चार्जेस की वजह से क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है अलग अलग चार्जेस की वजह से क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है तो मेरे को निकालना क्या है मुझे निकालना है नेट फोर्स एफ नेट कैलकुलेट करना है मुझे क्या कैलकुलेट करना है नेट फोर्स या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं नेट फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस बाकी बचे हुए सारे चार्जेस की वजह से फर्स्ट चार्ज क्यू वन चार्ज के ऊपर मेरे को क्या करना है नेट नेट चार्ज फोर्स कैलकुलेट करना है अगर मैं नेट नेट फोर्स की बात करूं तो Fnet किसके बराबर होगा भाई नेट किसके बराबर होगा ये मेरे पास में क्या होता है फोर्स क्या होता है वेक्टर होता है फोर्स मेरे पास क्या है वेक्टर क्वांटिटी है एफ वन टू के बराबर एफ वन टू वैक्टर के बराबर प्लस एफ ऊपर क्योंकि इस के उपर, इस के देखो, तीन अलग अलग चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहे हैं तीन अलग अलग चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहे हैं तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स ये वाला लगेगा एक फोर्स ये वाला लगेगा एक फोर्स ये वाला लगेगा तो ये वाला फोर्स प्लस एफ वन थ्री ये वाला फोर्स ठीक है प्लस ये वाला फोर्स एफ वन फोर नेट फोर्स क्या आएगा वेक्टर सम ऑफ ऑल दी अदर चार्जेस वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस सारे चार्जेस की वजह से जो चार्ज फोर्स लग रहा होगा उन सबका क्या होगा वेक्टर सम होगा समझ में आती है बात क्लियर है टोटल तो, तो, फोर्स मेरे पास किस फॉर्म में होगा जो भी डायरेक्शन होगा टोटल फॉर्म टोटल इसका जो फोर्स का वैल्यू और जो डायरेक्शन होगा हम यहां पर वेक्टर एडिशन लॉ लगा करके उसका डायरेक्शन और मैग्नेट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं समझ में आती है भाई बात क्लियर है चलिए क्लियर है गुड बहुत बढ़िया ये मेरे पास स्टेटमेंट्स भी लिखे हुए हैं

नेट फोर्स है नेट फोर्स जो है मेरे पास फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स होगा नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस सब इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा उन सबका क्या होगा वेक्टर सम होता है और उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं इन सबके ऊपर एक वेक्टर साइन दे दीजिए तो फोर्स ऑन वन फोर्स ऑन वन हमारे पास एन पॉइंट चार्जेस थे एन पॉइंट चार्जेस थे फर्स्ट चार्ज की वजह से फोर्स लगता है के Q0, Q1 मेरे पास N थे, N थे, इसके बीच में मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस है ये आर वन है ये डिस्टेंस हमारे पास में आर टू है ये हमारे पास में आर थ्री है ठीक है तो हमारे पास में जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा वो लगेगा एफ नेट इज इक्वल्स टू क्यू वन क्यू टू डिड बायर स्क्वेर प्लस के क्यू वन क्यू टू डिडर प्लस स्क्वायर अप टू एंड पॉइंट चार्जेस अप टू एंड पॉइंट चार्जेस क्लियर है भाई चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड

C की वजह से फोर्स ऐसे लग रहा है और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा ये अगर फोर्स लग रहा है हमारे पास में F1 और ये अगर फोर्स लग रहा है F2 देखो F1 मैं इसको बोल देता हूं चार्ज वन इसको बोल देता हूं चार्ज टू इसको बोल देता हूं चार्ज थ्री तो इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं एफ वन थ्री फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री और इसको मैं बोल सकता हूं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू फोर्स on की वजह से वैल्यू on तो मेरे पास क्यू चार्ज टू का वैल्यू कितना है क्यू चार्ज टू का वैल्यू भी मेरे पास क्यू ठीक है इनके बीच का डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ए तो ये हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई ए स्क्वायर के क्यू वन क्यू टू बाय स्क्र तो ये हो जाएगा मेरे पास ए है अगर की की बात करें, F1, की बात करें करें तो एफ वन आने वाला है k times q1 q1 का value कितना है कैपिटल कितना है q q divided by. इन के का distance कितना है भाई? इन के का distance है मेरे पास a तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्त ठीक है अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो मैग्नीट्यूड 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 ऑफ 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 वेक्टर वेक्टर इज टू मैग्निट्यूड वेक्टर दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आते हैं सेम आते हैं और डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन मेरे पास इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा आने वाला है देखो एंगल देखते हैं ये वाला जो फोर्स है कुछ ऐसा लगेगा इस, ऐसे स्ट्रेट लाइन में ठीक है और ये वाला जो फोर्स लगेगा इस ट्रेंगल से ऐसे स्ट्रेट लाइन में लगेगा तो ये जो एंगल है ये एंगल कितना आने वाला है मेरे पास में, है मेरे पास में तो अगर एफ नेट देखूं तो मैं बोलूंगा एफ वन टू वैक्टर प्लस एफ वन थ्री वेक्टर एफ वन टू और एफ वन थ्री के बीच तो मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर है ना दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है मैं इसको एफ बोल देता हूँ दोनों के मैग्निट्यूड बराबर है दोनों के मैग्नीट्यूड को मैं क्या बोल देता हूँ एफ बोल देता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास में अंडर उठ दो वेक्टर्स का मुझे एडिशन करना है दो वेक्टर्स का एडिशन करना है इस तरीके से कि एक वेक्टर है ए ये वेक्टर है बी दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा तो इसका एडिशन कैसे किया जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसका एडिशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी cos थीटा प्लस 2 ए बी cos थीटा क्लियर है तो इसके लिए मैग्निट्यूड है मेरे पास एफ एफ प्लस इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है F, इसका क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस टू एफ इंटू एफ कॉस के बीच में एंगल कितना वैल्यू पता है क्या होता है टू कैंसल आउट और ये बनेगा अंडर रूट ऑफ थ्री एफ

चले गुड आई सो थैंक यू सो मच गाइज आई होप यू गाइज एंजॉय सेशन थैंक यू सो मच और लाइक like करो यार शेयर करो सब्सक्राइब करो इस सेशन को ठीक है और यहाँ के सारे के सारे जो पीडीएफ uh, डी जो नोट्स हैं यहाँ पर वो सारे के सारे नोट्स कहा मिलेंगे आपको ई करियर पॉइंट ऐप पर मिलेंगे तो बच्चे जाइए ई करियर पॉइंट ऐप को डाउनलोड कीजिए वहां पर सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज को आप क्या कर सकते हैं एक्सपर्ट फैकल्टीज को आप फॉलो भी कर सकते हैं बच्चे ताकि आपके पास कोई डाउट हो अगर आपका खुद का कोई डाउट है तो आप वहां पर अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं एक्सपर्ट फैकल्टी से अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं क्लियर है बच्चों थैंक यू सो मच आई होप यू गाइस एंजॉय द सेशन थैंक यू सो मच